बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे पंकज जी के यहाँ से अवार्ड मिला है। पंकज बेरी साहब जो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, इंसान, इतने प्यारे इंसान, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, मैं समझता हूँ कि ट्रू लेजेंड पंकज बेरी साहब के यहाँ से जो अवार्ड मुझे मिला है। मेरी इतनी तारीफ की सुनील जी ने, धन्यवाद। मतलब मेरा हौसला बढ़ गया, लगता है कि और जीवन में अच्छा काम करना पड़ेगा मुझे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ऐसे ही अवार्ड आपको भी मिलते रहें और आपके हाथ से हमें ये सुनील जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिला। सर, जैसे आपने कहा कि आपका हौसला बढ़ा, आप दोनों से जानना चाहूँगा, एक कलाकार के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि इस तरह का एप्रिसिएशन। देखिए भैया, आज का ज़माना इतना टेंशन वाला ज़माना है, डिप्रेशन वाला ज़माना है कि जोश और मौज भी डाउनलोड करना पड़ता है। यस, बिल्कुल, वो भी डाउनलोड, जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे में ऐसे लेजेंड्स या ऐसे दोस्तों साथियों के बीच में रह के आपको जोश और मौज रियल में मिले अवार्ड के जरिए, yes, पारितोष के जरिए, सम्मान के जरिए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसे कहते हैं कि गॉड गिफ्ट। ये जोश, ये जो अवार्ड है, ये एक इंस्पिरेशन होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देती है। तो ऐसे अवार्ड मिलते रहने चाहिए, कलाकार जीवित रहता है और अच्छा काम करने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, तो एनर्जी लेवल बड़ा रहता है। अभी थोड़ा सा इनका जोश कम हो गया था तो ये पंजाब जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब को पता है आपको जोश का स्टेट माना जाता है, उत्साह का जोश माना जाता है। पंजाब इतना बड़ा, इतना खूबसूरत स्टेट है, हंसने हंसाने भी इतना बिलीव करता है कि अपना मुख्यमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन को बना देता है। स्टैंड अप कॉमेडियन को अपना मुख्यमंत्री बना देता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में आप जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। खाना पीना पंजाबी दिशान बकरी, सुबह मुर्गा खाते शाम बकरी, जो नॉनवेज खाते उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिते पंजाबी जानते उत्थे नवा पंजाब बसाते हैं, दूरंदेसी होते हैं, देश में भी दूर कनाडा। सीए के बारे में मैंने पंजाबी से पूछा, ओ जी सीए तो वैसे सिंपल बहुत है, सी मतलब कनाडा, ए मतलब अमेरिका, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, सी ए बस उनको इसी से मतलब है। तो पंजाबी हमारे बहुत ही प्यारे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि पंजाबी मनमौजी है, पर देश में मुसीबत है तो हर पंजाबी फौजी है। तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ जा रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे मित्र की तरफ से, मेहमान की तरफ से। एंड क्या कह रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जीवन में अभी हमारी फिल्म गाली गलौज तो आकर गई है, यूट्यूब पर ही आप देखिए सुनील पाल ऑफिशियल पर। साथ साथ में एक फिल्म हो रही है कॉफ़ी विद अलोन, एक डिप्रेशन की कहानी है, एक डिप्रेशन का बंदा है, आजकल हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में है, दो लोगों को छोड़ के। तो मैं समझता हूँ कि उसे ज़रूर देखिएगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं, लेकिन चूँकि मैं आपको पता है थिएटर और लाइव शोज में ज़्यादा रमता हूँ, वहीं से मेरा मन लाइव ऑडियंस के बीच में ज़्यादा लगता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बॉलीवुड से कह सकूँ कि भैया काम ज़रूर दीजिए, लेकिन रेट जो तुम चाहो और डेट जो मैं चाहूँ। मेरे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेब सीरीज चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं, सीरियल से अभी निपटा हूँ, इतनी बड़ी दाढ़ी थी, हाँ देखा था दिल्लियाँ गल्ला, वो ख़त्म हुआ, दाढ़ी साफ़ हुई, अभी एक ये एक फिल्म करके आया हूँ बनारस में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, बहुत अच्छी फिल्म है, लोकेशन कमाल की थी, सब्जेक्ट कमाल का था और रोल भी कमाल का है। फिल्म का नाम है आराध्य, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, और वो फिल्म बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, 3 महीने के अंदर वो फिल्म सबके सामने आ जाएगी, और 2-3 फिल्में और शुरू होने वाली हैं। तो चल रहा है बस, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग किस्म के किरदार करने की आदत है, वही निभा रहा हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सब जी हजारों साल, जल्दी मिलते हैं, होली मुबारक हो आप सबको, सारे देखने वालों को होली, आपके रंग बिरंगी जाए, आपके फैमिली में होली इस तरह से मनाए कि साल भर आपकी फैमिली होली फैमिली हो जाए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी। बोलना चाहूँगी, एक छोटे से काम करने को बहुत एफर्ट चाहिए होता है, और यहाँ पे इन लोगों ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके, स्क्रूटिनाइज करके, टैलेंट को पहचान के, जिस तरह से लोगों का मनोबल और उत्साह बढ़ाए, दैट इज़ रिमार्केबल। और एक एक अवार्ड तो सब जो टीम है, जो मेंबर्स हैं, उनको भी मिलना चाहिए, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, जिस काम में हम चल रहे हैं, हम सही हैं और हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, और हम अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ते रहें और लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी सोच के संग आगे बढ़ी थी कि अगर एक जीवन में भी बदलाव ला पाए सकारात्मक, और वो औरों के जीवन में भी बदलाव ला पाए, तो मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, जो मुझे मिला डेथ बेड से 3 साल में आज तक यहाँ पर आने के लिए। वो 15 दिन आपको सोचने पे मुझे मजबूर किया कि ज़िंदा क्यों है,
तब पता चलता है आप क्यों जिंदा हैं। अगर वो अनुभव, वो ज्ञान आप लोगों को बांट सकते हैं और वो बदलाव ला सकते हैं। लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट जब आती है तो आपको लगता है वो काम सफल हो गया। और इसी उद्देश्य के संग आगे बढ़ी हूँ, खुद से भी हंसूं और औरों के भी मुस्कुराऊं, क्योंकि दुनिया एक ऊपरी चेहरा कुछ और है हंसने का और अंदर का चेहरा कुछ और है। इसलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कि दिल से हंसें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर गिविंग दिस अवार्ड एंड स्पेशल थैंक्स टू द डायरेक्टर पूजा कदम। आई टू शेयर समथिंग अबाउट हर, शी इज सुपर स्केयर्ड ऑफ थ्रिलर एंड हॉरर फिल्म्स, बट दिस इज अ फर्स्ट फिल्म दैट शी इज रिटन एंड शी इज टेकन अप अ बिग स्टेप बाय किलिंग दैट फियर। एंड thanks to the cast and crew, amazing work, lovely contribution. We shot this film during lockdown and with a very minimum crew, very bare minimum equipment, and everyone were doing multiple jobs at the same time, and with all the hard work and efforts this is the result. Thank you so much. To contribute my social activities in this valuable platform, और मैं जो basically काम करता हूँ वो addiction, depression, anxiety, गर्भ संस्कार and pre-marital counseling पे काम करता हूँ। उस बेस में जो अभी मैं पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ, उस बेस पे इस ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और मुझे उसके लिए एक अवार्ड दिया जो ऑर्गेनिक प्राउड ऑफ इंडिया अवार्ड है। और इस टीम को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ को एक प्लेटफॉर्म देने में और मुझे एक प्रोत्साहन या एक वैल्यू देने में मुझे खुशी है कि जो मुझे एक अवार्ड मिला, अवार्ड के रूप में जो खुशी मिली बहुत अच्छी है। मैं स्पेशली जो समाज के लोगों में या अपनी टीम जो हमारे साथ काम करती है उसको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट दिया और मुझे समाज में जो लोग सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन से, उनमें काम करने के लिए हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और थैंक यू। मेंटल हेल्थ बिंग कोच हूँ, पेरेंट एजुकेटर भी हूँ। मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थाट्स, प्रोकास्टिनेशन से जूझ रहे होते हैं। देखिए आजकल मेंटल हेल्थ का इतना इशू हो रहा है जिस पर हम बात नहीं करते हैं। मैं उस पर अवेयरनेस लाना चाहती हूँ ताकि लोग अपने उस लाइफ को जो जीते हैं वो अच्छे तरीके से जी सके, जॉयफुली होकर जी सके। क्योंकि आज हमारा समाज बहुत डैमेज होते जा रहा है मेंटल हेल्थ की वजह से, जो हम उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे सोचते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो शायद हम छोटे हो जाएंगे या हमें एबनॉर्मल खा जाएगा। जबकि आज देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई भी एंजाइटी, डिप्रेशन की है, जिसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल डिजीजेज भी होते हैं जैसे शुगर, बीपी वगैरह। तो इस वजह से मैं हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करती हूँ जो पूरी तरीके से डैमेज होते जा रहे हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं। सो मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ की बात करें और उसके ऊपर अगर आपको हेल्प देनी हो तो प्रोफेशनल हेल्प भी जरूरी है। थैंक यू। अगर कोई आपको अवॉर्ड देता, हमेशा कहीं पे भी अगर आपको रिस्पेक्ट दिया जाए या आपको अवॉर्ड दिया जाए तो ज़रूर से खुशियाँ ही मिलती हैं और अपने लिए वर्दीनेस फील करते, सही है कि नहीं, है ना। मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी अवॉर्ड के हकदार हो, आप लोग भी जो काम कर रहे हो इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से कर रहे हो ना, तो मेरा ये अवॉर्ड भी आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ कि आप भी अपने लिए जो मेहनत करते हो, अपने प्रति जो प्यार रखते हो ना, उसके लिए भी मैं आपको अपने दिल से प्यार भरा अवॉर्ड देती हूँ। और चाहती हूँ कि जो काम मैं करती हूँ मैं भी आपकी तरह मेहनत से करूँ। मैं एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इमेज कंसल्टेंट, दुनिया में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने प्रति अगर आप रिस्पेक्ट रखते हो, आप अपने लिए अपनी नज़रों में अगर सही हो तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू वेरी मच। वेरी स्पेशल होते हैं अवार्ड रिसीव करना, एक एक्टर को हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं बता दूं कि मैं थी हैदराबाद में और जब मुझे ये पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, यू नो हम टेलीविज़न में बहुत सारे फ्लैशी अवार्ड्स नाइट होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लैशी इवनिंग्स, स्टारी इवनिंग्स होते हैं, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज्ड होना ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं,
जो अपनी अपनी फिल्म के साथ आए हैं और इतनी बेहतरीन फिल्में हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और अलग अलग मुद्दों पर है, इतने हार्ड वर्किंग और इतने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ अंदर इस वक्त, इन लोगों के बीच में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है, ट्रॉफी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंट को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। मैम ऑल्सो कितना मोटिवेशन मिलता है जब अवार्ड मिलता है किसी कलाकार को या कौन से भी फील्ड वाले को जब अवार्ड मिलता है? बहुत बहुत बड़ी बात होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब ऐसी चीज़ें आपके हाथ में आती है तो एक पुश मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए। सो अवार्ड्स आर ऑलवेज वेलकम एंड अवार्ड्स आर ऑलवेज स्पेशल। अरे इसके बारे में बात करते हैं, तुम अलग अलग मुद्दों पे चले गए। नो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहली बात है तो कि ये जो फिल्म फेस्टिवल में जो कामयाबी की फिल्म आई है, ऐसे तो 750 फिल्में आई थी ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास में, जिसमें से हम लोग ने 100 फिल्मों को चुना है जो बेस्ट सोशल सिनेमा है, जिसके अंदर से जो कामया जी की और डायरेक्टर सर की जो फिल्म है संजय जी की जो फिल्म है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि इसके अंदर एक सेलिब्रिटी है, इसलिए कि इसका सब्जेक्ट ही अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। Absolutely. और उसको परफॉर्म करने के बाद में हर सेलिब्रिटी ये चाहती है कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट करूँ जहाँ पर मेरे अंदर के एक्टर को दिखाने का मौका मिले। तो सर थैंक यू सो मच कि आपकी इतने सालों की मेहनत जो आपने लिखी बनाई, और बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं कि फिल्में पैसे से नहीं बनती है, फिल्में बनने की वजह एक डायरेक्टर का जज्बा, उसकी जिद, उसके एफर्ट्स और डेडिकेशन होते हैं, और एक एक्टर के लिए वो एक्टर हर एक रीज़न से आता है अपने सपनों में, सपनों को लेकर यहाँ पे माया नगरी में, लेकिन जब तक उसको अच्छा कंसेप्ट अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक उसकी जर्नी मुझे लगता है अधूरी रहती, चाहे वो कितना भी पैसे वाला बन जाए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर कि हमारे फिल्म फेस्टिवल में आपने फिल्म भेजी। नहीं नहीं थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए कि इतने अच्छे फिल्म फेस्टिवल में आप लोगों ने हम लोगों को शामिल किया, हमारी फिल्म के ऊपर इतने अच्छे तरीके से इतना पॉजिटिवली उसको रिकॉग्नाइज किया, और आज ये सम्मान हम लोगों को मिला है। हम मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बस ये ज़रूर कहेंगे कि एक सम्मान इस तरीके की जो अवार्ड्स हैं ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी सर, फिल्म के बारे में अगर कुछ बताएं। फिल्म के बारे में बताएंगे कि फिल्म का नाम है शी नेवर सेड, और शी नेवर सेड एक तरीके का जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फिल्म है, और फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है। जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि सोसाइटी के हर तबके में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, आईएएस पीसीएस से लेके पॉलिटिशियंस तक और गरीब घर में काम करने वाली बाइयों तक, लड़कियों तक, सबके साथ कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। हमने इस फिल्म के ज़रिए कोशिश की है कि एक आईना हम बार बार दिखाएँ। शी नेवर सेड वो कभी नहीं भूली, लेकिन आखिर कब तक, वो एक क्वेश्चन मार्क है। हमने कोई सलूशन नहीं दिया है फिल्म में, हमने कोई इसके अंदर सोशल मैसेज नहीं दिया है, हमने सिर्फ एक आईना दिखाया है सोसाइटी को। उसमें मेल फीमेल हर तरीके के लोग, हर कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हैं। आप देखो, शायद आपको दर्द समझ में आए, और जब फिल्म हमने बनाने की कोशिश की तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं रंजन जी, राजीव जी, गौरव जी और बाकी पूरी टीम, हमारी जो राइटर हैं, उन्होंने जब पहली बार ये स्क्रिप्ट हमें सुनाई तो वाकई में सुन के पूरी स्क्रिप्ट में जो मज़ा आया और करने का एक जज्बा पैदा हुआ, और सबसे पहला जो चेहरा हमारे जहन में आया था वो कामया जी का था। और कामया जी के बारे में, और हालांकि इन तक पहुंचने में हमें वाया 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 घूम घूम के हम इन तक पहुंचे, और जब पहुंचे तो कामया जी का जो एक एंथू था, जो इनका जो रिस्पॉन्स था, वो उसने हमको बहुत बल दिया, और हम फिर उसके बाद जुट गए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो एक दिमाग, एक स्क्रिप्ट का मिजाज, एक्टर का मिजाज, टीम का मिजाज और डायरेक्टर का मिजाज जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना,
तो कुछ निराली चीज़ बन जाती है। और यहीं पर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर का जिक्र करूँगा, वो ये कि फिल्म में एक गाना है, गाना हमारी फिल्म को और बहुत ऊपर लेके चला जाता है। गाने के अंदर पूरा एक सोल्यूशन हमने क्रिएट किया है, और गाना लिखने के लिए हमारी जो लिरिसिस्ट हैं यहीं पर हैं, हमारे साथ में ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उनको इसमें शामिल कर लेंगे। और आइए, ये गाना 18 बार लिखा गया है। सर इधर देखो, या इधर ओके। तो गाना ये करीब 18 बार लिखा गया, और एक एक शब्द चुनने के बाद में बड़ी जद्दोजहद के बाद ये गाना तैयार हुआ। और जब मैंने कामिया जी को गाना सुनाया तो कामिया जी और ज़्यादा खुश हुई कि नहीं, इस फिल्म के अंदर एक चार चांद लगाने वाली स्थिति है। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आप सब तक भी पहुंचे। आप लोग प्लीज़ किसी न किसी किसी न किसी OTT के जरिए या जैसे भी हो आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ये फिल्म फेस्टिवल के बारे में अगर कुछ बताइए, आपकी कितना इम्पोर्टेंट है कि फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाए और उनको। मैंने आते ही ये बात कही थी, आते ही मैंने ये कहा, मैंने शुरुआत ही इसी चीज़ से कहा कि मैं हैदराबाद में थी और जब मुझे पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ तो यू नो, अगर ये कोई अवार्ड सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एक ऐसा मंच जहाँ पर इतने बेहतरीन कलाकार हैं, इतनी बेहतरीन फिल्में हैं, ये मैं मिस आउट नहीं करना चाहती थी। और कैसे कैसे इतनी जद्दोजहद से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ टू रिसीव दिस, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म मीन्स अ लॉट। एंड अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी पूरी टीम को, फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। एंड बस आप लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए, हमारे काम को सराहते रहिए। मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूं, आपको सबसे बड़ी सरप्राइज मैं आपको दे रहा हूं मीडिया के सामने, मीडिया इसको नोट कर ले कि सबसे बड़ी सरप्राइज जो आपके लिए थी, हर साल हमारे पास में जो फिल्में आती है उन फिल्मों में से लगभग 14 फिल्में हर साल हम कांस में स्क्रीन करवाते हैं, ठीक है। तो लास्ट 3 साल से जो 15 फिल्में स्क्रीन हो रही है उसमें से 14 फिल्में हमारा फिल्म फेस्टिवल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस में। और इस साल जो 14 फिल्में हमने चुनी है उसके अंदर से एक फिल्म कामिया जी की है। और मैं आज इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में आप देखोगे कि पूरा वर्ल्ड कामिया जी के टैलेंट को देखेगा, और ये हमको मीडिया के अंदर ही रिवील करना था। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि बीइंग डायरेक्टर बीइंग प्रोड्यूसर हम लोग फिल्म बना लेते हैं, वो चाहे शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उसको पब्लिक तक पहुँचाना, रिलीज़ करना या OTT पर डालना। और इस तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं, मैं ख़ासतौर से नाम लूँगा फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल का, इनकी वजह से ये सिनेमा आप लोगों की तरफ पहुंच रहा है, दुनिया में पहुंच रहा है, लोगों के बीच पहुंच रहा है। और मैं इसके लिए विक्रांत जी का, फिल्म फेयर इंडिया का, सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और प्रिया के ज़रिए, जिसके ज़रिए हमारी बातचीत हुई, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से ये आगे भी करते रहें। और अगर मेरे लायक कोई भी मदद कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तैयार। आप सिर्फ सर फिल्में बनाइए, इंटरनेशनल ऑडियंस तक हम पहुँचाएंगे उसको। क्या बात, हम पहुँचाएंगे, क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अवार्ड के साथ एक फोटो करना जी, सुशील अवार्ड। ही इज वन ऑफ द क्लास वन ऑफिसर्स ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ही इज द तहसीलदार, ही इज वर्किंग इन द वार्ड ऑफ ज्योति विच इज़ इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। He is working in the tribals, one of the tribal districts and doing a great work there. और एक तहसीलदार होके भी उन्होंने 3 फिल्म्स आज तक बनाई हैं, और तीनों भी सोशल इशूज़ पे है। सो थैंक यू फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ चुनाव टू द फिल्म फेयर इंटरनेशनल फेस्टिवल कि उन्होंने इस फिल्म को अवार्ड दिया। ऑफकोर्स ये फिल्म एक सोशल इशू पे है, चुनाव हमारे देश में जो भी होते हैं कंटिन्यूसली होते रहते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुली कम्प्लीट करने के लिए, टू डू एवरी इलेक्शन विदाउट फियर एंड फेवर, द एंटायर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल, एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग द इलेक्शंस ऑनेस्टली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडिया। सो चुनाव ये फिल्म उसी के ऊपर आधारित है। चुनाव ये मैसेज देती है कि वोटिंग ना करना ड्यू टू यूर सम सोशल इशूज और सम सोशल अनसेटिस्फाइड डिमांड्स, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन।
वोट ना डालना आपकी किसी डिमांड की वजह से ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वोट डाल के ही आप डेमोक्रेसी में भाग लेके ही, डेमोक्रेसी का हिस्सा बन के ही आपको अपने प्रॉब्लम्स सरकार तक पहुंचाने हैं। तो ये मैसेज चुनाव ये फिल्म देती है और ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हर किसी को वोट डालना चाहिए। एंड द एंटायर अवार्ड इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द ऑल दोज द क्लास वन ऑफिसर्स एंड ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु मेक द चुनाव द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सक्सेसफुल। एंड उसी की वजह से आज लोकशाही डेमोक्रेसी इंडिया में जिंदा है और आगे भी रहेगी। थैंक यू। अवार्ड मुझे द लॉस्ट गर्ल फिल्म आ रही है अभी, जिसको आदित्य रनौलिया जी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। पेनोरामा स्टूडियोज 5 अप्रैल को ये रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया। तो इसके मैं म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए मुझे ये अवार्ड मिला और डेफिनेटली ये जो विक्रांत जी का इनिशिएटिव है और ये जो फेस्टिवल है सोशल इशूज़ पे, क्योंकि हमारी जो फिल्म की भी कहानी एक ऐसे बच्ची की कहानी जो 1984 के राइट में वो बिछड़ जाती है अपने पेरेंट्स से और कैसे वो एक जर्नी उसका होता है पूरे अपने अपने अस्मिता को अपने वजूद को तलाशने का, उस संघर्ष की कहानी है। तो मैं सबों को आप लोगों को भी आमंत्रित करूँगा कि ये एक बहुत ही सोशल इशू पर एक फिल्म है कि 84 का राइट है, प्लस आपको मालूम होगा कि कितनी बच्चियां गुम हो जाती हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको ये छूती है फिल्म। तो डेफिनेटली अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और अधिक से अधिक लोग देखें इस फिल्म को, यही है हमारा मैसेज। थैंक यू। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बस कि ऑर्गन डोनेशन हर इंसान को करना चाहिए, कि अगर कोई इंसान ऑर्गन डोनेशन करता है वो कितने लोगों की जान बचा सकता है। एक इंसान पता नहीं 4 से 5 लोगों की जान बचा सकता है। मैंने भी किया है। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद, शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद एक बंदा भी करेगा ना तो हमें बहुत खुशी होगी कि उसने कितने लोगों की जान बचा दी। बस हमारा यही मुहिम है कि सबको कि ये जन जन तक पहुँचे और एक बंदा भी तैयार होता है इस चीज़ के लिए तो हमें बहुत खुशी रहेगी। धन्यवाद सभी का। आप देख ही रहेंगे मेरी शक्ल पे, लेकिन खुशी के साथ साथ एक एहसास भी है, एक जिम्मेदारी भी है कि भविष्य में मुझे और बेहतर काम करना है। थैंक यू। एक आर्टिस्ट के लिए उसके लिए अवार्ड मिला, अप्रिसिएशन मिला, मतलब उनको और आगे जाने के लिए इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और ये फिल्म भी मेरी मोटिवेशन से रिलेटेड है तो ये मिलने पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मीडिया, थैंक यू फिल्म फेयर इंटरनेशनल, एंड थैंक यू विक्रांत, एंड थैंक यू आवर टीम। से नो टू सक्सेस। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। हमारे पास जो रजाकार के टाइम पे कई स्ट्रगल्स बना के कम्युनिटी को एक रास्ते पे लाना, बल्कि बीसी वेलफेयर के लिए भी बहुत कोशिश करा। उन्हें जो मेरे बचपन में थोड़ा इंस्पिरेशन था उसके बारे में सब्जेक्ट है, एक ब्लाइंड कैरेक्टर के ऊपर है कि एक ब्लाइंड कैरेक्टर कैसे एक लड़की को इमेजिन करता है। तो वो मैनी क्वीन जो है वो उसके थ्रू उस लड़की को वो इमेजिन करता है। ये एक इसका एक जर्नी है एक अंधे की, जो कि वो उस मैनी क्वीन के थ्रू एक लड़की को इमेजिन करता है। तो जल्दी OTT पे आएगी, आप लोग सब जाके सब जल्दी देखिएगा मैनी क्वीन। और थैंक्स टू फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू। अपने बच्चों को कैसे पालती है और उन्होंने कैसे अपने बच्चों को एजुकेट किया है और किस तरीके से वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या काम करते हैं उसके ऊपर हमने रखा है। और आजकल की लड़कियां जो दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हैं और उनके साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसी को लेकर के हमने फिल्म बनाई। सिया हमारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, बोलिए आप भी कुछ। मैंने इसमें लीड कैरेक्टर परफॉर्म किया है और ये कैरेक्टर करने के दौरान मतलब बहुत कुछ मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं भी उसी एज में हूँ जहाँ पे या तो लड़कियाँ बन जाती है या तो बिगड़ जाती है। और इस एज में हमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन एनिमी हमारे माँ बाप ही होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है।
तो बस यही बोला गया है। इस फिल्म में लीड रोल जरीना बहाब ने भी किया है, इसकी मॉम का कैरेक्टर उन्होंने किया है। मैंने इस फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन मैंने किया हुआ है, और इस फिल्म में हमने बस यूथ को मैसेज देने की कोशिश की है कि आप जो कुछ भी करो अपने लाइफ में सोच समझ के करो, क्योंकि उससे आपका आने वाला कल इफेक्टेड हो सकता है, या तो आप अच्छा कर सकते हो या बुरा। थैंक यू। थैंक यू। स्पेशल है, मतलब इस अवार्ड को पकड़ के मुझे जो फील हुआ है आज, वो मैं अभी कभी भी, शायद वो पहला एक्सपीरियंस मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है इस वक्त, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरी फिल्म मैनी क्वीन के लिए है, जो एक ब्लाइंड लड़के के ऊपर है, उसके इमेजिनेशंस के ऊपर है कि अगर वो एक लड़की को देख नहीं सकता तो वो एक मैनी क्वीन के थ्रू उस लड़की को इमेजिन करता है, उस लड़की को फील करता है, और उसकी इमेजिनेशन का लेवल वो क्या होता है, वो उस स्टोरी पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू सो मच सारे मीडिया लोगों के लिए, काफ़ी वक्त से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो और काफ़ी वक्त तक आपने वेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस अवार्ड के बारे में मैं कहने के पहले एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक मुद्दे पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंस की, फंडिंग की, और कोई भी सोशल अभियान आगे नहीं पहुँच पाता है। और ये अभियान अगर किसी के सपोर्ट से अगर पहुँच पाया है तो वो है दिव्यांग फाउंडेशन एंड साई मूवमेंट साथ ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज ये इतना बड़ा फेस्टिवल हो पाया, और हम ऑल ओवर इंडिया के, पूरे हिंदुस्तान के 100 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर्स को फेलिसिटेट कर पाए। उसके फाउंडर हमीद सर हमारे साथ में है। एक्चुअली दिव्यानूर फाउंडेशन जो ये साउथ ऑफ इंडिया मूवमेंट शुरू किया है, तो इसका मेन मकसद है कि जो हर इंसान के अंदर में उसकी जो सामाजिक दायित्व है और उसके अंदर जो एक आध्यात्मिक चेतना है, उसको कैसा उजागर किया जा सके, जिसमें कि समाज के साथ साथ उसके जीवन में भी एक संतुलन, शांति, समृद्धि आ सके। जब मुझे ये सोशल सिनेमाज जो हैं, क्योंकि दिव्यानूर फाउंडेशन का जो साउथ ऑफ इंडिया मूवमेंट है उसका एक पार्ट है जो सोशियो स्पिरिचुअल मीडिया नेटवर्क्स बनते हैं, तो जिसके अंदर में हम चाहते हैं कि समाज में छोटे फिल्म के जरिए या फीचर फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या किसी तरह से डिजिटल मीडिया हो, उस तरह में पॉजिटिव चीज़ें समाज में आए। कि आज अगर आप जहाँ पर भी देखेंगे नेगेटिव चीज़ों का ज़्यादा प्रमोट होती है, क्योंकि इंसान डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि दायित्व है जो फिल्म मेकर्स के, जो भी मीडिया के, वो पॉजिटिव चीज़ों को भी उसी तरह से बढ़ावा दे जो कि समाज में बहुत सारा बदलाव ला सकता है। तो उसके लिए पहल था, और कहीं ना कहीं विक्रांत जी का जो मैंने सफ़र देखा है, उन्होंने ज़्यादातर सोशल फिल्म्स को ही प्रमोट किया है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सहयोग करना हमारे लिए सही है, क्योंकि हमारा मिशन भी वही है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी, एंड जो हमारा इवेंट था वो तो आपको सर ने बताया दिया है कि जो भी था, हम बहुत सारे फिल्म मेकर्स को अवार्ड दिए, बहुत सारे फिल्म मेकर इंडिया के बाहर से भी आए थे, इंडिया से भी आए थे, तो अवार्ड देकर हमेशा ही अच्छा लगता है सबको। और हमारी बहुत सारे गेस्ट भी, सेलिब्रिटी गेस्ट भी आई थी, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हमारे पास सबमिट हुई थी जिनका मैसेज बहुत अच्छा था, जो मैसेज को कन्वे होना बहुत ज़रूरी था, तो हमने बस वही एक पहल की थी। और हम हमेशा हम ऐसा हम हर साल करते हैं, और हमेशा ही मुझे अवार्ड देकर फिल्म मेकर